जब मैं बना एमपीए तो सबसे पहले जो इशू मुझे अपने इलाके में, क्योंकि अलका पीटीआर का जो शक्की इलाका है उसके जो रहने वाले लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि चुंगी का निजाम जो है 1993 में खत्म हो गया है, लेकिन जो गुजर खान देवल रोड है या चकासिया जाती है, इस्लामपुरा जबल जाती है, जो कलर की तरफ जाती है वहां पे चुंगी बनी हुई है, और आप उसका कोई बंदोबस्त करें, उसको खत्म करें। तो मैंने चेयरमैन मुझे कई दरखास्तें हैं इन राइटिंग, और जो मैंने फॉरवर्ड की चेयरमैन बल्दिया को, लेकिन आपने देखा कि चेयरमैन बल्दिया ने कोई उस पर एक्शन ना लिया, तो फिर मेरे लिए क्योंकि मैं चाहता था कि क्योंकि चेयरमैन बल्दिया एक्शन ले, लेकिन उन्होंने जब नहीं लिया तो फिर मैंने डीसी साहब से बात की, इंतजामिया से बात की, तो वो आपने देखा कि पिछले महीने डेढ़ हो गया है, तो उसको सील कर दिया गया, तो उस पर एक मसला शुरू हुआ। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो ठेकेदार जिसने ठेका लेता है उसका ठेका सिर्फ और सिर्फ, मेरे पास कागजात भी मौजूद है, आपको बता दूंगा कि ठेका सिर्फ होता है अड्डा फीस का, कि जो गाड़ी अड्डे में जाएगी वो फीस देगी, लेकिन यहाँ पे था कि एंट्री पॉइंट बना दिए गए, शहर में जो गाड़ी दाखिल होगी वो उससे पैसे देने शुरू कर दिए। तो ये मेरा फर्क पड़ता था, अखबार में भी खबरें आती थी, जो हमारे लेवल का प्रेस क्लब है, लेवल के प्रेस के भी लोग आए हुए, अवाम के में भी मुतालबा था कि ये कदम करें। तो जब मैंने एक्शन लिया तो नेक्स्ट बात है कि जिन लोगों के मफादात पर जरूरत पड़ती है, जो रोज का लाखों रुपया बनाते थे फिर उनको तो तकलीफ होनी थी, उन्होंने शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ बातें, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मैं बस ये नुमाइंदा, मेरा ये फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे कल बता रहे थे कि जी आज खबरें भी लगी है कि चोरी चावे प्रोसेस जो है वो गैर कानूनी तौर पे कारोबार को बंद कर, मैं उनको बताना जो कह रहे थे उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे लाभ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ किया हुआ, उन्होंने लॉ पढ़ा भी किया, अपना लॉ उन्होंने किया, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं कानून का और मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, कि सिर्फ और सिर्फ मैं बिलीव करता हूँ कानून की हुक्मरानी पर, और मैंने जो चुंगी बंद करवाई वो मेरा नुमाइंदगी का हक भी था, और लोगों के साथ शक्की गुजर खान के लोगों के साथ जाती थी, और वो एक्शन हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बल्दिया के जो सीईओ है उनको ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि वो अब मैंने सुना है कि रोज फेसबुक पे या खबरें भी आ रही हैं कि रेलवे रोड पे खड़े होकर वो ले रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो आदमी इस गैस कानूनी, क्योंकि अड्डे पे जो गाड़ी जाती है उसे बेचा नहीं सकते, अब लेकर अगर कोई जो आदमी गैर कानूनी सुनियों का रहा है उसके खिलाफ एक्शन किया जाए और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाए।